हाय गाइस, इट्स ज्योति एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ भगवान शिव जी और माता पार्वती का ड्राइंग ट्यूटोरियल, वो भी स्टेप बाय स्टेप। एंड ये पार्ट वन है जहाँ पे मैं आपको आउटलाइन ड्राइंग सिखाने वाली हूँ। यहाँ पे आप रेफरेंस देख सकते हो, बहुत ही अच्छा सा शिव जी और पार्वती का कंबाइन वाला पिक्चर है जिसको हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे। बिल्कुल रेफरेंस की तरह आप भी ड्रॉ कर पाओगे अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो। वीडियो पे बने रहना, नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ जिसमें कि मैं आपको कलर करना सिखाने वाली हूं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना विद नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले ना, वीडियो को देख सको। एंड रेफरेंस इमेज का डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड करके साथ में ड्रॉ कर सकते हो। हो सके तो गाइस इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी लोग शिव जी और माता पार्वती को ड्रॉ करना सीख सके। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ऐप चाहिए होगा, ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट। यहाँ हम ग्रिड मेथड से आउटलाइन ड्राइंग करने वाले हैं। देन यहाँ फोल्डर पे टैप करेंगे तो कुछ आपको ऑप्शन दिखेगा। फर्स्टली यहाँ पे है ओरिएंटेशन, मतलब कि वर्टिकल बनाना चाहते हैं आप या हॉरिजॉन्टल। यहाँ मैं वर्टिकल बना रही हूँ इसलिए मैं वर्टिकल ही सिलेक्ट करी हूँ। नेक्स्ट यहाँ पेपर साइज, जो भी आपका पेपर साइज है जिससे आप बना रहे हो वो आपको सिलेक्ट करना है। मेरा यहाँ पे A4 साइज पेपर है तो मैं यहाँ पे A4 ही सिलेक्ट करी हूँ। देन ओपन पे क्लिक करके जो भी आपका रेफरेंस इमेज है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, या देन आपको क्रॉप कर लेना जितना एरिया आपको चाहिए, जितना में आप ग्रिड चाहते हो उतना वो करने के बाद क्रॉप पे टैप कर देंगे तो कुछ ऐसा हमारा ग्रिड बन जाता है रेफरेंस के ऊपर। यहाँ पे ट्रिपल लाइन पे क्लिक करके जो साइज ऑफ वन सेल है उसको करना है 20 mm। 20 mm का मतलब जो यहाँ पे ग्रिड बना है वो 2-2 cm के डिस्टेंस से बना है। अगर वहाँ पे आप 30 mm करते हो तो 3-3 cm के डिस्टेंस से बन जाएगा, तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्रिड बन चुका है, ऊपर की तरफ 11 और नीचे की तरफ 15। बस हमें यही सेम ग्रिड को अपने ड्राॅइंग शीट पर भी बना लेना है। कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊँगी, बस आप वीडियो पर बने रहना। और बस अभी ले लेना है स्केल एंड इसकी हेल्प से हम मार्क करना स्टार्ट करेंगे 2-2 cm के डिस्टेंस पे, या फिर आप 2 का टेबल पढ़ते जाओ। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ टोटल ऊपर की तरफ 11 मार्क होगा एंड इसी तरीके से जस्ट अपोजिट वाला साइड है उधर भी मार्क कर लेंगे। एंड गाइज यहाँ पे दो साइड हो गया है, इसी तरीके से दो साइड और बचा है, इसे भी करना है। एंड यहाँ अगेन स्केल की हेल्प से 2-2 cm के डिस्टेंस से मार्क करेंगे। यहाँ टोटल 15 पॉइंट होगा मार्क करेंगे, तो इसी तरीके से दूसरा साइड भी कर लेना है। मार्क हो जाने के बाद सिंपली मैच कर देना है लेफ्ट को राइट से, आपको डाउन से। अगर आपके पास लंबा वाला स्केल होगा तो आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे। यहाँ आपको सिंपली स्केल को स्ट्रेट रखना है एंड देखना है जो हमने पॉइंट मार्क करा था पहले वो स्ट्रेटली मैच हो रहा है या नहीं स्केल से। अगर आपको लगे कि बिल्कुल स्ट्रेट है तब आपको लाइटली मैच कर देना है। एंड हमें यहाँ लाइटली ही मैच करना है क्योंकि बाद में जो ग्रिड लाइन है उसको हम इरेज भी करेंगे आउटलाइन कंप्लीट हो जाने के बाद। नेक्स्ट, अगर आप रेफरेंस जिस पे हमने ग्रिड क्रिएट करा था अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर और नीचे की तरफ कुछ नंबर मेंशन था। बेसिकली गाइस ये लेबल नंबर होता है एंड इसी तरीके से हमें अपने ड्रॉइंग शीट पे मेंशन कर लेना है। तो ऊपर हम कर लेंगे 11 तक, सिंपली 1, 2, 3 लिख देंगे एंड नीचे की तरफ हमें 15 तक करना है। यहाँ पे 15 ग्रेड्स हैं इसलिए यहाँ पे 15 तक यहाँ पे मार्क करना होगा। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि इन लेबल नंबर का यूज़ क्या है, कैसे हमें हेल्प करेगा आउटलाइन बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप ये मिडिल लाइन बनाना चाहते हो रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो आपको ऐसे देख कर मालूम नहीं चलेगा कहाँ बनेगा। आप कहीं भी बना सकते हो, अगर अपने अकॉर्डिंग आप बना रहे हो तो वो मिस्टेक हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाद में, इसलिए होता है लेबल नंबर के हिसाब से आप बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये आइस पार्ट का ही मैं बताती हूँ कहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन है। तो यहाँ पे आप पहले छोटा कर लो एंड नंबर को आपको देखना है ऊपर नीचे। नीचे से अगर आप चेक करोगे ना तो 6 पे है, यहाँ पे 6 मेंशनड है। उसी तरीके से अगर आप ऊपर की तरफ चेक करोगे तो ऊपर भी 6 ही है, यानी कि ऊपर से भी 6 और नीचे से भी 6 ही है। यही सेम पोजीशन को फाइंड कर लेना है ड्राइंग सीट के ऊपर भी। सिंपली यहाँ पे काउंट कर लेंगे ऊपर से 6 कहाँ है और नीचे से 6 कहाँ है। जहाँ पे भी ये ज्वाइन करेगा, मेट करेगा ना, वहीं पे आइस पार्ट बनेगा। इस तरीके से बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन हमें मिल गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी पार्ट को फाइंड कर सकते हो और बिल्कुल एक्यूरेट आउटलाइन बना सकते हो। एक और मैं आपको टिप देती हूँ, हमेशा अपने ड्राइंग शीट का ग्रिड और जो रेफरेंस इमेज का ग्रिड है दोनों को इक्वल रखना है, ताकि आप बिल्कुल जैसे रेफरेंस में है उसी तरीके से आप बना पाओ। तो बस यही कुछ था जो कि मैं आपको बता दी हूँ एंड अब बस हमें आउटलाइन बनाना स्टार्ट करना है। यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल ऊपर से, यानी कि हेड पार्ट से।
सिक्स से सेकंड ग्रेड से स्टार्ट हो रहा है। स्केल की हेल्प से मैं एक लाइन ड्रॉ कर ली हूँ ताकि शिव जी और पार्वती माता थोड़ा अलग अलग हो जाए एंड बनाने में मुझे आसानी हो, क्योंकि हाफ हाफ यहाँ पे है रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और यहाँ मैं बिल्कुल लाइटली स्टार्ट कर रही हूँ आउटलाइन बनाना। पहले मैं आउटलाइन बना लेती हूँ, जो मुझे आउटर सरफेस दिख रहा है उसे पहले बनाती हूँ, देन मैं मुझे लगता है कि बिल्कुल एक्यूरेट बन गया है तब मैं उसमें डिटेल वर्क करना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल सा ये पेन पेंसिल है, बिल्कुल लाइटली पहले आउटलाइन बनाना है। इसके लिए आप बिल्कुल ऊपर से पेंसिल को पकड़ सकते हो ताकि आप बिल्कुल लाइटली काम कर सको। हेड पोर्शन पहले मैं बनाऊंगी शिव जी का, वो कंप्लीट हो जाएगा, देन मैं करूंगी पार्वती माता का भी हेड पार्ट। तो इस तरीके से मैं हाफ हाफ करते हुए काम करने वाली हूँ। वीडियो अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप स्लो करके बाद में अच्छे से देख लेना, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ना थोड़ा डिटेल वगैरह था तो मैंने ऐड कर दिया है, जैसा कि मैं आपको बताई पहले मैं बिल्कुल लाइटली काम करती हूँ, मुझे लगता है कि बिल्कुल एक्यूरेट बना है तब मैं उसमें डिटेल वर्क करना स्टार्ट करती हूँ। अभी शिव जी का तो हो गया है, तो नेक्स्ट अभी पार्वती माता का मुकुट वाला पार्ट करेंगे। तो यहाँ ना थोड़ा डिटेल वगैरह था तो मैंने करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ जो पेपर है ना, वो है ब्रूस्टर का हेवी वेट मीडियम सरफेस पेपर। आप बाद में पूछोगे इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा तो आप परचेस भी कर सकते हो ऑनलाइन। यहाँ मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको आउटलाइन ड्राइंग करना है ग्रिड मेथड से। तो बस आपको यहाँ पे एक ग्रिड पे पहले तो ध्यान देना है कि वहाँ पे कौन सा पार्ट आ रहा है एंड उसको आपको ऑब्जर्व करते हुए बनाना है धीरे धीरे। मैं आपको बोलूँगी पहले आप बिल्कुल लाइटली बनाओ, पूरा पार्ट कवर कर लो, आउटलाइन बना लो हल्का हल्का सा, और आपको लगे बिल्कुल परफेक्ट बना है रेफरेंस ग्रिड के अकॉर्डिंग, आपका आउटलाइन बिल्कुल एक्यूरेट बना है ना, तब आप सब डिटेल वर्क करो। क्योंकि एक बार मिस्टेक हो गया देन आपको इरेज करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर से बनाना पड़ेगा। इससे बेटर होगा कि आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करो कि एक ग्रिड में कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है, ग्रिड के हाफ में आ रहा है कि हाफ से ज़्यादा में आ रहा है, तो ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो कैसे कैसे लाइन आ रहा है। मैं वही ऑब्जर्व करके धीरे धीरे बनाती हूँ। और यहाँ धीरे धीरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हाफ पार्ट। यहाँ मैं अब फेस पार्ट करने वाली हूँ। तो ना बीचों बीच जो मैंने लाइन ड्रॉ करा था सिक्स वाले ग्रिड में, तो उसके लाइन के बीचों बीच ना एक आईज है, यानी कि मिडिल आईज है, जो कि मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये ऊपर से सिक्स एंड नीचे से भी सिक्स में आ रहा है, तो उस वाले ग्रिड में मैंने ड्रॉ करा है। यहाँ नोज बनाने का तरीका है कि आप लाइन के बीचों बीच एक सर्कल ड्रॉ करो एंड उसके अकॉर्डिंग आप पूरा नोज बना लो। यहाँ मैं कुछ कुछ टेक्निक्स यूज करके भी ड्रॉ कर रही हूँ, आप वीडियो को स्लो करोगे तो आपको वो टेक्निक समझ में आएगा एंड आप ड्रॉ कर पाओगे उस तरीके से। शंकर जी के हेड पे मैंने तीन लाइन ड्रॉ करा है और पार्वती माता की नोज रिंग मैंने ऐड करे हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल होने वाला है। अभी आईज पार्ट बनाना स्टार्ट करने वाली हूँ, तो यहाँ मैं बोलूँगी आप वीडियो को स्लो करके ही देखना तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से करना है, कैसे कौन से ग्रिड में बनेगा आईज पार्ट, तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ मैंने दोनों आईज ना सिमिलर ही रखा है, सिमिलर अभी लगेगा आउटलाइन में, बट जब कलर करेंगे ना तब बहुत अच्छा डिफरेंस आपको दिखेगा। जो महादेव जी का फेस कलर है वो ब्लू होने वाला है एंड पार्वती माता का नॉर्मल जो स्किन कलर होता है वही मैं रखने वाली हूँ। यहाँ मैं सोची हूँ कि मैं थोड़ा सा अलग सा कलर करने वाली हूँ, मतलब एक तरफ ब्रूस्टरो आर्ट मटेरियल्स यूज़ करूँगी और दूसरी तरफ डोम्स का आर्ट मटेरियल्स यूज़ करने वाली हूँ, तो ऐसा मैं सोची हूँ। दोनों ही ब्रांड मेरे फेवरेट हैं, ब्रूस्टरो और डोम्स दोनों के ही मेरे पास आर्ट मटेरियल्स है, तो बहुत मुझे लगा कि ये करना चाहिए, इसलिए मैं सोची हूँ करने का। नेक्स्ट पार्ट पार्ट टू मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी बिटवीन टू डेज़, तो जिसमें कि शिव जी को कलर करना सीखने वाले हैं, तो उसमें मैं सोची हूँ कि यूज़ करूँगी डोम्स का शायद, देखते हैं कौन सा यूज़ करती हूँ। बस आप कनेक्टेड रहना चैनल पे, आपको मालूम चल जाएगा और आप सीख भी जाओगे कैसे कलर करना है। यहाँ पे ऑलमोस्ट फेस पार्ट हो चुका है, अभी नीचे का पार्ट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ जो स्नेक हैं शिव जी के वो मैं बना दी हूँ, सिंपल सा मैंने बनाया है, जब कलर करेंगे तब उसमें डिटेल वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। ज्वेलरी पार्ट दोनों के ही अलग हैं तो मैंने कर लिया है उस तरीके से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने बहुत सिंपल और इजी वे में आपको बताने का कोशिश किया है किस तरीके से आप आउटलाइन ड्राइंग कर सकते हो शिव पार्वती जी का। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, हो सके तो वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग ड्रॉ करना सीख सके। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ जाएगा, तो बस आपको कनेक्टेड रहना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना विद नोटिफिकेशन बेल ताकि नेक्स्ट पार्ट का आपको नोटिफिकेशन मिले। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।